Hello everyone, welcome to the Educatees and this is Mahima Gaur. And today we're going to continue the chapter that is Control and Coordination. Ye uska part 2 hai. So let's get started. Last video mein humne nervous system ke bare mein dekha tha, right? Ki nervous system is like a manager, uski working, jo sara control and coordination ka jo work hai, wo sara nervous system hi control karta hai. But today what we're gonna discuss is neuron, the unit of nervous system, ki nervous system kis cheez se milkar bana hai, structure of neuron and working of neuron. It is a very important topic, guys. So guys, start karte hain. Dekhiye guys, ye tha hamara, हमने बेसिक जो था नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था, उसमें ये ब्रेन इंक्लूड था, ओके, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. तो दैट वाज आवर नर्वस सिस्टम जो कि हम देख चुके हैं. आज हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है. जैसे कि सेल जो है ह्यूमन की एक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, वैसे ही नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन. इसका मतलब ये है कि जितना भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम है नर्वस सिस्टम को और जितने भी फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, न्यूरॉन परफॉर्म करता है इन नर्वस सिस्टम. सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमने क्लास 9 में देखा था कि लार्जेस्ट सेल तो होता है ओवम और जो लॉन्गेस्ट सेल होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का वो होता है हमारा न्यूरॉन. वन मार्क क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो न्यूरॉन करते क्या है, वो मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ले जाने का काम करते हैं. कहां तक, हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. ठीक है, तो ये काम होता है हमारे न्यूरॉन का. न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. द न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं. अब जो ये थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स एंड तीसरा होता है एक्सॉन. तो अभी हम एक डायग्राम देखते हैं. देखिए ये है न्यूरॉन का डायग्राम. अब इसकी स्टार्टिंग में होती है सेल बॉडी. ये बिल्कुल नॉर्मल एक सेल बॉडी होती है जिसमें साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है जिसे हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं. ओके, तो ये प्रेजेंट होता है सेंटर में, इसके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ये इसका बेसिक जो सेल बॉडी होती है ये नॉर्मल होती है. इसके साइड में ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ओके, ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो मैसेज है वो यही क्रिएट करते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये जो चीज है डेंड्राइट. ओके, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं. ये जो लॉन्ग बॉडी है जो सेल बॉडी के बाद है इसे एक्सॉन बोला जाता है, यहां से लेके यहां तक. ओके, और ये होती है माइलिन शीथ. इट इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन. माइलिन जो होता है वो फैट एंड प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है. ओके, और जो लास्ट में होते हैं वो होते हैं हमारी एक्सॉन टर्मिनल और एक्सॉन एंडिंग, इसे हम एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं. तो ये हमारा कुछ होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है गाइस ये. ओके, तो अभी हम आगे जो है हम न्यूरॉन की वर्किंग भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. डायग्राम आपने देख लिया है, यहां पर है जो थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म जिसे हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं. ओके, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अब ये क्या करते हैं, इट रिसीव्स मैसेजेस देन ट्रांसमिट इट ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और फिर उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं टू द सेल बॉडी में. ओके, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है. एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमने भी डायग्राम में देखा है, यहां से लेके यहां तक एक्सॉन चलता है. उसके बाद आती है नर्व एंडिंग. ओके, इट कंडक्ट्स मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड्स नर्व एंडिंग. ये सेल बॉडी से मैसेज लेता है और नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है और उसके बाद सेल से बाहर. ओके, सो यानी नर्व सेल के बाहर. तो ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ओके, नाउ हम करेंगे वर्किंग ऑफ न्यूरॉन. ओके, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग का। सो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हर जगह। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो स्किन है उसमें थर्मल रिसेप्टर्स होता है, वो हीट प्रेशर एक्सेट्रा को जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। ऐसे ही अलग अलग रिसेप्टर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिसीव करते थे। अब न्यूरॉन कैसे वर्क करता है उसको देख लेते हैं। आपके सामने एक नर्व सेल है, सॉरी न्यूरॉन है। ये डेंड्राइट्स थे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये सेल बॉडी थी, ये न्यूक्लियस था, ये एक्सन, और ये लास्ट में जो थी हमारी नर्व एंडिंग। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहां पर सपोज कीजिए न्यूरॉन के आसपास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहां पर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, थर्मल रिसेप्टर। अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यहां पर थर्मल रिसेप्टर प्रेजेंट है, उन्होंने किसी तरह की हीट या कोई प्रेशर जो है जो एनवायरमेंट से रिसीव की वो इंफॉर्मेशन इन रिसेप्टर्स ने। तो देखिए होगा क्या, रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूरॉन के पास प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये रिसेप्टर्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट से पिक करते हैं, तो यहां पर इनमें क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। यानी रिसेप्टर्स में फिर क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी। ओके, केमिकल रिएक्शन होगी हमारे रिसेप्टर्स में। ओके, फिर होगा क्या, जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगी तो ये रिसेप्टर्स डेंड्राइट के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। ये रिसेप्टर किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, डेंड्राइट के कॉन्टेक्ट में आएंगे। और जैसे ही डेंड्राइट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा। देखिए अभी आप इसमें देख भी रहोगे, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स का है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा। ओके, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा तो वो पूरे न्यूरॉन में चला जाएगा, पास होता हुआ लास्ट में नर्व एंडिंग तक। अभी आपके सामने डायग्राम में चल भी रहा है। देखिए जैसे रिसेप्टर्स ने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पिक करी तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगी, और जैसे ही डेंड्राइट्स उन रिसेप्टर्स के कॉन्टेक्ट में आएंगे, केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा। देखिए ये हो रहा है, और फिर वो क्या करेगा, वो इंपल्स पूरी बॉडी से पास हो जाएगा नर्व एंडिंग तक। ओके, तो ये इंपल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पास होगा नर्व एंडिंग तक। ठीक है, फिर ऐसे करते हुए वो दूसरे नर्व में ट्रांसफर होगा। लेकिन अब वो कैसे होगा ये और देख लेते हैं। देखिए ये जो है डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, यहां पर ये जो एरिया है ये नर्व एंडिंग दिखा रहा है। ओके, नर्व एंडिंग, और ये यहां पर जो सेकेंड जो नर्व न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां सपोज कीजिए ये डेंड्राइट्स है। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूं, अभी हमने देखा था कि रिसेप्टर्स को भी इंफॉर्मेशन पिक करेंगे, फिर एक केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे ही वो केमिकल रिएक्शन डेंड्राइट्स के कॉन्टेक्ट में आएगी तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा, वो सेल बॉडी डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा, देन एक्सन से पास होता हुआ यहां पर यानी कि न्यूरॉन एंडिंग में इधर पहुंच जाएगा। यहां पर वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच जाएगी। ओके, अब जैसे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंडिंग में पहुंचेगी तो वो फिर क्या होगा कि वो इसको पास करेगी जो नर्व एंडिंग है, और दूसरे सेल में जाने से पहले एक बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। देखिए केमिकल प्रोड्यूस होगा, फिर वो पूरे उसको क्रॉस करेगा, फिर यहां पर नर्व एंडिंग पे सॉरी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचेगा, उसके बाद जब वो इस स्पेस में पहुंचेगा जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, वहां पर जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रांसफर नहीं होगा। यहां पर आते हुए इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये क्या है, एक केमिकल। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो सिनेप्स में आते ही, सिनेप्स क्या होता है, ये जो स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स राइट, जो एम्प्टी स्पेस होता है, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक केमिकल में क्रिएट होगा, और फिर केमिकल जो होगा वो यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर होगा। ओके, किस फॉर्म में होगा ये मैसेज, केमिकल की फॉर्म में यहां से सिनेप्स को जो है ट्रेवल करेगा। उसके बाद वो जो सेकेंड न्यूरोन के डेंड्राइट्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर से ये जो केमिकल है इस सेकेंड न्यूरोन के डेंड्राइट्स में फिर से कॉन्टेक्ट में आएगा, और यहां पर अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगी। ओके, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से क्रिएट हो जाएगी।
ओके, और फिर से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगी, देन एक्सॉन को क्रॉस करेगी और उसके बाद नर्व एंडिंग में पहुंच जाएगी। तो इस तरह से फिर वो नेक्स्ट सेल में जाएगी और फिर वो नेक्स्ट सेल में, तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है नर्व एंडिंग में पहुंचेगा, तो उसके बाद जो सेकेंड सेल और फर्स्ट सेल के बीच के स्पेस को हम जो सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, यहां पर जो मैसेज है वो ट्रेवल किस फॉर्म में करेगा, एक केमिकल की फॉर्म में करेगा, ओके? और जैसे वो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के कांटेक्ट में आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो जाएगा, ओके गाइस? सो यहां पर थी ये इंपॉर्टेंट चीज। अब हम अच्छे से देख लेते हैं कैसे होता है वर्किंग ऑफ अ न्यूरॉन। When receptors sense anything, a chemical reaction is triggered. जैसे ही receptors किसी भी information को pick करेंगे, तो एक chemical reaction trigger हो जाएगी। This chemical reaction causes an impulse in dendrite. Dendrite में इस chemical reaction की वजह से एक electrical impulse create होगा। फिर this impulse travels through the body to the neuron and axon, ये cell body में जाएगा, फिर dendrites से और फिर axon में जाएगा और फिर nerve ending में पहुंच जाएगा। जैसे ही नर्व एंडिंग में पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा, सिनेप्स होता है, यानी कि स्पेस बिटवीन फर्स्ट न्यूरॉन एंड सेकेंड न्यूरॉन। यहां पर एक टाइनी अमाउंट में केमिकल रिलीज होगी, ओके, सिनेप्स में। फिर उसके बाद वो उस एरिया को ट्रेवल करेगी। फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग है, ये सेकेंड न्यूरॉन की स्टार्टिंग है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, जो ये इसे सिनेप्स कहते हैं, यहाँ पर एक केमिकल प्रोड्यूस होगी, ये केमिकल की फॉर्म में इस एरिया को ट्रेवल करेगी, फिर वापस से क्या होगा, वो दूसरे डेंड्राइट की कांटेक्ट में आएगी और इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से क्रिएट हो जाएगा। दिस केमिकल क्रॉसेस द सिनेप्स एंड रीच टू द टिप ऑफ डेंड्राइट वेयर इट अगेन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। वहां पर ये क्या करेगी, फिर से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करेगी और फिर से क्या होगा, जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर से ट्रेवल करेगी न्यूरॉन में, सेल बॉडी टू एक्सॉन टू नर्व एंडिंग, एंड अगेन द सेम प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे जो होता है कुछ ये वर्किंग ऑफ अ न्यूरॉन होती है। अब हम देखते हैं यहां पर फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। ओके, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन क्लियर हो गई है। अगर किसी भी तरह का डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। अभी हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। देखिए न्यूरॉन क्या करेगा, रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करेगा और उसे कहां पर भेज देगा, विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरॉन्स वो सीएनएस तक पहुंच जाएगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, फिर न्यूरॉन फिर से क्या करेंगे, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स को कैरी करेंगे और अफेक्टर्स और वॉलेंटरली मसल्स तक वो पहुंचा देंगे, फिर उस हिसाब से क्या होगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारी वर्किंग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ओके, सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही है। ये हमारा न्यूरॉन था, वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।